नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सब लोग का अपने YouTube चैनल राहुल सदफेक्ट में बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में। 2022 की ये वैकेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI रिक्रूटमेंट 2022। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम बात करें FCI की वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी 4710 पदों के लिए वैकेंसी निकल कर आने वाली है। इसकी जो अप्लाई डेट है, फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है, ध्यान समझिएगा, वो 3 जुलाई से आपके फॉर्म प्रारंभ होंगे और 22 अगस्त, यानी कि अभी ये वैकेंसी आई नहीं है लेकिन किसी के भी फॉर्म जो होते हैं 1 महीने तक चलते हैं, तो 22 अगस्त तक इसके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। अब हम इसमें बात करें एज की, बात करें तो एज अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 25 है, और अलग अलग पोस्ट के अनुसार इसकी एज क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, यदि हम इसमें बात करें तो इसमें SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। और ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, वॉचमैन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, वॉचमैन के लिए मैंने बताया आपको। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर सैलरी की बात की जाए तो 30,000 से हमारी सैलरी प्रारंभ होती है और जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे, 2-3 साल आपको हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपकी धीरे धीरे सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 64,000। तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS वालों के लिए 250 रुपये है और अलग अलग, जैसे कि अलग अलग स्टेट से अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट से इसको डिफरेंट टाइप का जो इसका रिक्रूटमेंट आएगा तो 1,000 तक भी इसमें फीस आपको पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट आएगा तो उसका डिटेल मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कितनी फीस रहेगी, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, 250 रुपये रहेगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ग्रेड, इसकी ये क्या है, जो वैकेंसी ग्रेड वाइज वैकेंसी है, अगर ग्रेड वाइज वैकेंसी की यदि हम बात की जाए तो इसमें ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ के लिए जो वैकेंसी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड सेकंड के लिए। इसमें ग्रेड सेकंड की 35 पोस्ट हैं, यानी कि 35 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें आपका डिपोर्ट, जनरल, टेक्निकल, ठीक है, अकाउंट एंड सिविल के लिए आपकी क्या है, पद होंगे इसमें, डिपार्टमेंट होंगे ये सब, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। दूसरा है आपका ग्रेड थर्ड, ग्रेड थर्ड में आपके 2521 पद हैं जिसमें टेक्निकल, जनरल, अकाउंट, डिपोर्ट, JEE, जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, टाइपिस्ट, AG थर्ड हिंदी से, स्टेनो, टाइपिंग में आपकी स्पीड भी वगैरह मांगी जाएगी स्टेनो में, ठीक है, स्टेनो हो जाएगा, स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए है। तो ये किसके लिए है, ग्रेड थर्ड, जिसमें इसने पद निकले हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करें ग्रेड फोर्थ की, अगर हम बात करें तो ये वॉचमैन की रहेगी, इसमें आपके बहुत ज़्यादा पद निकल कर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, 2154 पोस्ट है। और इसमें एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी हम अगर बात करें तो केवल इसमें 8वीं पास मांगी गई है और 8वीं पास सब रहते हैं तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैनेजर की अगर हम बात, देखिए इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग चीज़ें मानी गई है, क्वालिफिकेशन के लिए, किसी में 12th मांगी गई है, किसी में ग्रेजुएशन मांगी गई है, किसी में इंजीनियरिंग, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के जी वाला इस पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है, किसी में 12th होनी चाहिए। तो इस तरह से जो पूरा कंप्लीट रिक्रूटमेंट आएगा तो उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ग्रेड इन ग्रेड के लिए ये सिचुएशन रहेंगी। अब एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी कि वॉचमैन के लिए कितनी है, 8वीं पास में मानी जाएगी। अगर मैनेजर की बात करें, मैक्सिमम, देखिए मिनिमम एज कितनी है, 18, मिनिमम 18, लेकिन मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो मैनेजर के लिए 28 मांगी जाएगी और JEE के लिए, मतलब 28 साल तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और JEE के लिए 28 और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 25, ये मैक्सिमम एज है इन पोस्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें मैं बात करता हूँ सिलेबस की, बात करता हूँ वॉचमैन के सिलेबस की मैं बात करूँ तो प्रीवियस इसका सिलेबस है इसमें, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग इसमें क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा, ठीक है। इसमें 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो आपको 120 नंबर हो गए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो पूरे 120 ठोक के आपको आना है। ड्यूरेशन इसमें रहेगा 90 मिनट का रहेगा, GK एंड करेंट अफेयर इसमें आएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इसमें पेपर मोड होता है हिंदी और इंग्लिश में, और लोकल लैंग्वेज में चलती है, जो भी आपकी जिस स्टेट से आप भर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब इसमें बात करें फिजिकल की, बात करें तो फिजिकल में 1 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, 5 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है मेल को, और 800 मीटर की रनिंग होगी जिसमें 4 मिनट 5 सेकंड में कवर करनी है फीमेल को। इसमें लॉन्ग और हाई जंप है,
13 फीट मेल के लिए और हाई जंप 3.74, ठीक है, ये दोनों मेल के लिए। 13 फीट तो किसके लिए है, मेल के लिए लॉन्ग जंप, ठीक है। हाई जंप आपकी कितनी हो जाएगी, 3.74 फीट। फीमेल की बात करें तो 9 फीट है और हाई जंप की बात करें, सॉरी हाँ ये लॉन्ग जंप हो गई, हाई जंप की बात करें तो 3 फीट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के आप लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, जय हिंद जय।